अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सायरा शब्बीर, योर डाइटिशियन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे मुँह से अभी जैसे धुआं निकलना निकाल रहे होंगे, क्योंकि सर्दियों में मुझे सबसे मज़े की चीज़ यही लगती है, धुआं निकालना। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं, काम की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सर्दियों के बारे में कि सर्दियों में आपने अपनी केयर कैसे करनी है। अगर आपको नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी कुछ भी हो जाता है तो आपने उसकी रेमेडी क्या करनी है, डाइट के ज़रिए, घरेलू थोड़े टोटकों के ज़रिए आप किस तरह उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों को ख़ासतौर पर इस ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, और बच्चों को अगर खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार हो जाता है तो आप किस तरह उनको जो है वो सेहतमंद दोबारा से बना सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब कि अगर किसी सर्दियाँ बिल्कुल जैसे ये ड्राई कफ हो जाती है, खांसी आना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, एक होती है जिसके साथ आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है, वो खांसी होती है। एक खांसी होती है बिल्कुल ड्राई, आपका गला जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके लिए आपने क्या करना है कि शहद हर घर में मौजूद होता है, अगर नहीं भी है तो शहद आप ला के रख लें। आपने एक चम्मच शहद लेके उसके अंदर आपने एक चुटकी या दो चुटकी आपने उसके अंदर डाल देनी है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, वो बहुत ज़्यादा पिसी हुई होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लाइक उसके दाने उसमें आने चाहिए, दानेदार पाउडर उसका उसमें आपने मिक्स करके, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चों को आपने जिस तरह छोटे बच्चों को हम लोग शहद चटाते हैं, इस तरह आपने बच्चों को देना है, वो चटाना है दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब उनको खांसी आए तब वो देना है। तो जो ब्लैक पेपर होती है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और ये बच्चों की खांसी जो होती है शहद और इसका मिक्सचर जो है वो बच्चों की खांसी को कम करने में भी मदद करता है, और इसके साथ साथ उनके इन्फेक्शन जो हुआ होता है उसको, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं तो उसको भी कम करता है। तो दूसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं खांसी को कम करने के लिए वो क्या है, तूत या आम शरबत है, ये जो ब्लैक तूत होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बेरीज़ काइंड ऑफ बेरीज़ ही होती हैं वो, अगर आप उसका जो शरबत मिल जाता है, आम मिल जाता है, कर्शी का मिल जाता है, किसी भी आप कंपनी का ले लें, इट डजेंट मैटर, आपने वो जो है उसके अंदर भी ब्लैक पेपर थोड़ी सी चाहे मिक्स कर लें, और उसको आपने जो है चाहे थोड़ा सा एक लेमन भी मिक्स कर दें। हम लोग लेमन को सोचते हैं कि लेमन से शायद सिर्फ गला ख़राब ही होता है, बल्कि लेमन के अंदर ही एक ऐसा फैक्टर मौजूद होता है जो कि गले को और खांसी को इन सब चीज़ों से बचाता भी है हमें। तो बच्चों के लिए आप सिर्फ सिंपल उनको तूत से भी दे सकते हैं, सिर्फ उनको तूत से ही चटवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह भी मिक्स कर देंगे तो इट विल इंक्रीज इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये हमने दो तरीके देख लिए कि एक तो आपने क्या करना है, शहद के अंदर आपने ब्लैक पेपर मिक्स करके बच्चों को देना है, सेकंड है कि आपने तूत से उनको देना है। तूत से के अंदर भी अगर आप ब्लैक पेपर मिक्स करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना आप उसको एज इट इज़ भी दे सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी ये सेम रेमेडीज़ है कि अगर बड़ों को भी कोई खांसी आ रही है, स्पेशली हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है कि आपने उनको ब्लैक पेपर और शहद मिक्स करके देना है, हनी, लेकिन कोशिश करें कि हनी आप किसी देसी मतलब शॉप से अगर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये जो आम मार्ट वगैरह पे पड़ा होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो अक्सर उन्होंने जो है केमिकल्स डाल के ही बनाया होता है। तो ट्राई करें कि कहीं से अगर देसी मिल जाता है तो वो ले लें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों की, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बड़ों की कि अगर बड़ों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, स्पेशली नज़ला हो जाता है, तो आपने क्या करना है। नज़ले में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कोई जुशांदा, आपने जुशांदा पी लेना है। जुशांदा चाहे आप चाय के अंदर मिक्स करके पी लें, चाहे आप गर्म नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके पी लें। और सर्दियों में जो एक और चीज़ आपने जो अपने माइंड में रखनी है वो है नीम गर्म पानी। आप सुबह उठते ही अपनी रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही आपने नीम गर्म पानी, उसमें चाहे थोड़ा सा शहद मिक्स कर लें, वो ज़रूर पीना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी जो है बीमारियों से बचाता है। जैसे देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ़ करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी को, हमारा जो अंदर सिस्टम है उसको भी क्लिंस करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। तो अगर आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स कर लेंगे तो ये काइंड ऑफ डिटॉक्सिफाइंग वाटर हो जाएगा, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा सा फास्ट करेगा, और इसके अलावा आपको क्लीनिंग में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। और जो मैं आपको बात बता रही थी कि जुशांदा भी आप ले सकते हैं सर्दियों में, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो आपने कोशिश करनी है कि आप जुशांदा दूध के अंदर या आप नीम गर्म पानी के अंदर या इवन चाय के अंदर भी ले सकते हैं। आजकल तो इसके इतने ज़्यादा फ्लेवर्स आ गए हैं कि आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं उसका, जो भी आपका पसंद का फ्लेवर होता है, क्योंकि इसमें उन्होंने थोड़ी जड़ी बूटियाँ मिक्स करके तो वही ऐड की हुई होती हैं जो कि हम लोगों के जो नज़ला ज़ुकाम बुखार है इसमें हेल्प करती हैं। ये तो हो गया जुशांदा। अगर आपको बुखार हो जाता है तो आपने मेडिसिन, तो अगर आप ले रहे हैं कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं आप,
उसके साथ साथ आपने अपने डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करना है जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी टू कम्बेट द फीवर. ठीक है, सो डाइट में पहली चीज़ कि आप जब किसी को बुखार हो जाता है तो आपने उसको थोड़ी सॉफ्ट डाइट देनी है, थोड़ी जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा होता है टू कम्बैट दीज जर्म्स. एक्चुअली आपको पता है बुखार हमें होता कब है, जब कोई जर्म्स हमारे अंदर आते हैं, कोई एंटीजेंस आती हैं, उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है. जब वो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के आपस में एक समझ ली कि एक लड़ाई होती है, जब वो लड़ाई ख़त्म होती है तो उसके एंड पे कुछ केमिकल्स जो हैं वो बनते हैं. वो केमिकल्स जाके हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है माइंड में, हमारे जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं. जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं फीवर, कि बॉडी का जो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है. तो उसमें आपको एक चीज़ की भूख ज़्यादा लगती है. फीवर में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है, मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है, तो आपका दिल करता है कुछ स्पाइसी खाएं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चाय रस दे दिए, इस तरह की चीज़ें दे दी, दलिया ले, नमकीन दलिया ले, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी खाने का भी दिल कर रहा था, थोड़ी सी स्पाइसी भी इसमें ऐड कर सकते हैं. सूप पिए, सूप देखें वो फिर कहते हैं कि बीमार को अगर आप और ज़्यादा बीमारियों वाली वो फीकी गज़ा देंगे तो वो तो और बेचारा बीमार हो जाएगा बजाय सेहत याब होने के. तो आपने क्या करना है कि अगर कोई बच्चे को बुखार हो रहा है या बड़े को बुखार हो रहा है तो आपने उसकी डाइट के ज़रिए भी उसकी हेल्प आउट करनी है. सूप दें, सूप में आप चिकन सूप ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप कॉर्न सूप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इफ़ यू आर ऑन अ डाइटिंग तो कॉर्नफ्लावर वगैरह ना भी ऐड करें तो इट्स ओके. सिंपल आप सब्जियों को या चिकन को या कॉर्न को बॉयल करें, अच्छी तरह से धो के उनको बॉयल करें, छोटी छोटी पीसेस कट करके उसमें ब्लैक पेपर ऐड करें, उसके अंदर आप सॉल्ट ऐड करें और वो आप उसको इंजॉय करें. एग अगर आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप एग भी ऐड कर सकते हैं. आप ये सोच रहे होंगे कि इसके स्कार्फ तो क्या हो गया, आई जस्ट चेंज द स्टाइल ऑफ माई स्कार्फ. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि जब बुखार होता है तो आपने ज़रूरी नहीं कि और उनको फीकी चीज़ें देके भाई एक बंदे को और बीमार कर देना. आप थोड़ी सी उसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दें, चाहे वो सूप है, चाहे वो दलिया है, चाहे वो ऑट्स हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, आप थोड़ी सी स्पाइसेस बंदे को ऐड करके दे दें, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट, जैसे कि अगर आप इवन उसको चावल भी दे रही हैं, खिचड़ी भी दे रही हैं, तो खिचड़ी में थोड़ा सा सूप भी होना चाहिए ताकि वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए. फ्लूड मतलब उसमें ज़्यादा हमें देना चाहिए, जूसेस वगैरह उसको देने चाहिए. ऑरेंज जूस जैसे जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है वो. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है. इसके अलावा जो नज़ला ज़ुकाम में आपको बहुत चीज़ हेल्प करेगी, सर्दियों में बहुत चीज़ आपको हेल्प करेगी, वो आ जाता है कहवा. अब हम लोग बात करने वाले हैं कहवे के बारे में. अब मैं आपको दो तीन तरह के कहवे बताऊंगी जो आपने इस्तेमाल करने हैं इन विंटर्स में. सबसे पहली जो कहवा हम लोग ग्रीन टी आम सिंपल यूज़ करते हैं, आप सिंपल वो ही ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उस ग्रीन टी के अलावा जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नंबर वन इज़ ग्रीन टी. ठीक है, जैसे कि वो लिप्टन की ग्रीन टी के टी बैग्स पड़े हुए हैं वो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है अदरक का भी और लीमू का कहवा एक बनता है. उसमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी आपने पत्ती ऐड करनी है, पानी गर्म कर ले, हल्का सा ब्लैक कलर नहीं कर देना आपने उसको, सिर्फ गोल्डन सा जो प्यारा सा एक कलर होता है वो आपने करना है. मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी शेयर करती रहूँ कर दूँगी जल्दी वीडियो में, चाहे आज ही कर दूँ इसके बाद. तो सबसे पहले आपने क्या करना, थोड़ा सा उसके अंदर पत्ती ऐड करनी है, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा अदरक जिंजर जो हमारे पास होता है उसको छोटे छोटे पीस करके थोड़ा सा वो ऐड कर दें, और उसके अलावा एक लेमन ऐड कर दें. ठीक है, उसको लेमन को निचोड़ दें, चाहे हाफ लेमन ऐड कर दें, थोड़ा सा आप उसके अंदर सौंफ डाल दें, थोड़ी सी कलवंजी डाल दें. ये सारी चीज़ें एक तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी ही करेंगी, दूसरा आपको हेल्प करेंगी कि अगर आपका गला ख़राब है वो उसमें भी हेल्प करेंगी, अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है तो उसमें उसको भी जो है वो सही करने में आपकी हेल्प करेंगी, और तीसरा जो अगर आपका नज़ला हो जाता है तो उसमें भी ये हेल्प करेंगी. ये सारी चीज़ें, ये दो तरह के मैंने आपको कहवे बता दिए. तीसरा कहवा बनता है एक मोरिंगा का, जो अक्सर जो जिन लोगों ने मेरे से डाइट प्लान लिया हुआ उनको मैंने बताया हुआ है मोरिंगा पाउडर, उसके बारे में मैं वीडियो करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी. उसका भी आप कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जो है वो जल्द शेयर करने वाली हूँ. तो ये है कि कौन कौन से कहवे जो है वो आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में और सर्दियों को इंजॉय करने में. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्दियों की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गेस करें क्या है. आई होप आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सर्दियां आती नहीं हैं और हमें जी मज़े शुरू हो जाते हैं कि मूंगफली खानी है, हमने बादाम खाने हैं, अखरोट खाना है, ये खाना है, वो खाना है. बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं. देखें, डाइट में कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं होती, आपको
क्वांटिटी उसकी कंट्रोल करनी होती है. यू आर हैव टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग एक्चुअली, कि आपने वो चीज़ कितनी लेनी है. बादाम ले रहे हैं तो कितने लेने, मूंगफली आप अगर ले रहे हैं, पिनट ले रहे हैं तो कितने लेंगे, अखरोट ले रहे हैं तो कितने लेने, आपने उनकी क्वांटिटी कंट्रोल करनी होती है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ गुड फैट एंड प्रोटीन एज वेल. तो अगर आप लोग जो है इन चीज़ों को यूज़ करना चाह सकते हैं, करना चाहते हैं, तो जी बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं. क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे, मैम हमने तो सुना था अखरोट खाने से बंदा मोटा हो जाता है, बादाम खाने से बंदा मोटा हो जाता है, खजूर खाने से बंदा मोटा हो जाता है. एक्चुअली कोई भी चीज़ जो है वो आपको मोटा पतला करने के लिए उसकी क्वांटिटी मैटर करती है. ठीक है, क्वालिटी तो हर चीज़ की जो है वो बेनिफिशियल ही होती है, क्वांटिटी मैटर करती है आपकी, कि आप कितनी मिकदार कितनी मिकदार में उसको ले रहे हैं. ठीक है, बादाम 6 से 7 आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जैसे हम लोग बैठ जाते हैं सर्दियों में, जी गप्पे मार रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ये करें वो करें, इतनी इतनी वो मूँगफली पड़ी हुई, इतना ये पड़ा, तो बस खाई जाए. यू हैव टू कंट्रोल दिस हैबिट ऑफ योर्स. ठीक है, आपने कंट्रोल करना है कि आप उसको कितना खा रहे हैं. अगर मूँगफली खाने का दिल कर रहा है तो दिल की तो सुननी है जनाब आपने, दिल की ज़रूर माने, दिल की सुननी है आपने, लेकिन 6 से 7 बस मूँगफली खा लें, दिल को इतना ज़्यादा भी नहीं आपने सर पे चढ़ाना. दिल की माने ज़रूर, लेकिन किसी हद तक माने, ये अपनी लाइफ में भी इस बात को ज़रा आजमा के देख लीजिएगा. अच्छा खैर, बादाम आपने ले लिया, अखरोट आप 1 से 2 ले सकते हैं जनाब, पिस्ता लेना है तो वो भी आप 3 से 4 ले सकते हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं है सारी चीज़ें. खजूर आप 1 से 2 खा सकते हैं, क्योंकि ये तो कुरान, खजूर का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है, ये इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए शफा है. और इसके अलावा मूंगफली भी आप जो है वो 7 से 8 दाने खा लें, मेरे ख्याल में इतनी इनफ होती है, वो तो वैसे इतना हैवी फील होना शुरू हो जाता है. उसके अलावा जो आपके पास हमारे पास जो वो काले चने होते हैं भुने हुए, वो जनाब जितने मर्जी खाएं, आपका जितना जी चाहे उतने खाएं आप. और जो मिक्स जो भुनी हुई हमें वो मिलती है, कॉर्न मिलती है और इस तरह की जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करने को जो गुड़ लगा कर उन्होंने मीठा वाला मिक्स किया होता है, वो भाई जान वो ना बस डालें, बाकी सारा कुछ इसमें डाल दें, वो आप खा सकते हैं. स्नैक के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मेरे भी अभी यहाँ कहीं पड़े होंगे, मैंने पूरा वो रखा हुआ, जब मेरा दिल करता है भूख लगती है तो उसको खाना स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं. हम लोग बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स की, इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं. ये आपके गुड फैट्स होती हैं, गुड इसमें प्रोटीन होती है. जो गुड फैट होता है वो बैड फैट को बॉडी के अंदर से निकालने में हेल्प आउट करता है. तो ये चीज़ें तो इवन मैं डाइट में भी रिकमेंड करती हूँ. तो ये पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये चीज़ें डाइट में मना होती हैं, ये चीज़ें इस तरह होती हैं. डाइट में कोई चीज़ मना नहीं होती, डाइट में यू हैव टू जस्ट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वट एवर यू आर ईटिंग. ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे पास ड्राई नट्स की. आप सोच रहे होंगे ये क्या देख रही है अपने आंखों में, देख रही हूँ मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए क्योंकि आज मैंने कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया. जी हाँ, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्किन केयर की, कि हम लोग सर्दियों में स्किन केयर कैसे कर सकते हैं अपनी. बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्दियों में, तो वो भी बंदा जो है वो अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट कर देता है जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो सॉरी आपको आवाज़ आई, मेरा बुक गिर गई एक्चुअली नीचे, तो वो भी बंदा जो है वो स्किन केयर स्टार्ट करना शुरू कर देता है जिसने कभी भी नहीं की, क्योंकि वो इतनी ड्राई इतनी रफ हो जाती है कि यू योर सेल्फ वॉन्ट टू अप्लाई समथिंग ऑन योर स्किन. सो कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, कोई भी नहीं है ना घर में, आपके सरसों का तेल तो पड़ा ही होता है, वो ही लगा लें, सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र. आप याद करेंगे कि क्या बता दिया हमें, डाइटिशियन सायरा ब्यूटिशियन सायरा भी बन चुकी है, तो आपने वो भी यूज़ कर लेना है. ठीक है, अगर वो नहीं है तो वैसलीन आप यूज़ कर लें, आप अपने लिप्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स फीट्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वो नहीं है, वैसलीन का लोशन मिलता है, कोई भी लोशन, बेबी लोशन, कुछ भी कोई भी जो है वो विंटर के लिए वो आप ज़रूर लगाएं. कोई भी लोशन यूज़ कर लें, कोई भी आप इवन आपके घर में कोई भी ऑयल है, कुछ भी नहीं मिलता, कुकिंग ऑयल ही लगा लें. सिंपल मैं बता रही हूँ, कुकिंग ऑयल ही लगा लें, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी उससे, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी उससे. ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अपनी आपने मतलब ये तो आपने करना ही करना है, कोई मॉइस्चराइज़र तो आपने अप्लाई करना ही करना है, लेकिन कोशिश करें कि वीकली बेसिस पे, वीकली नहीं हो सकता, मंथली बेसिस पे आप अपनी जो है वो क्लिनजिंग वगैरह या कुछ भी इस तरह का करता रहिए, ताकि जो डस्ट वगैरह होती है, क्योंकि ये स्मोक और फोग का वो इतना है ना कि इतने केमिकल्स हमारी इंजेक्ट हो जाते हैं अंदर, इवन स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ भी कारगर करते हैं. तो आपने कोशिश करनी कि क्लिनजिंग वगैरह भी ज़रूर कर लें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने अपने आप को सर्दियों में कैसे बचाना है, कवर योर सेल्फ, जैसे कि मैं अभी अपने आप को करने लगी हूँ. आई हैव कवर्ड माई सेल्फ, लेकिन वो मेरा उतर गया था. आपने अपने आप को कवर करके रखना है, इस तरह कवर कर लें चाहे. ठीक है, कवर योर सेल्फ. और इसके अलावा जर्सियाँ पहने, स्वेटर पहने, कोट पहने, सॉक्स पहने, शूज़ पहने, ग्लव्स पहने, सब कुछ पहन लें. ठीक है, कैप्स पहने,
कवर योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा कवर करके सर्दियों को इन्जॉय करें ताकि आप जो है वो बीमार भी ना हो और जो है वो मज़ा भी लें। ये नहीं कि बस बिस्तर में घुसे रहे और सर्दियाँ आए, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड, बाहर नहीं करना। इन्जॉय, इवन इट्स समर, समर्स को इन्जॉय करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, विंटर्स को इन्जॉय करना थोड़ा ईजी होता है। आप कवर करके अपने आप को कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, कवर करें अपने आप को, वॉक करें, वॉक बहुत, मुझे तो विंटर्स में वॉक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो रोज़ाना रात को जाती हूँ, इवन आई शेयर माई स्टोरीज़ एज वेल कि मुझे विंटर में वॉक करना ज़्यादा पसंद है। और विंटर्स आर द बेस्ट सीज़न टू कंट्रोल योर डाइट, ये मेरे बात, ये जो मेरी बात है ये अपने जहन में रख लें। तो अगर आपको अपना डाइट प्लान भी लेना है तो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप और इन माई गिवन नंबर, व्हाट्सअप मी योर डिटेल्स, आई प्रोवाइड यू योर डाइट प्लान। क्योंकि बहुत से मैं देख रही हूँ अभी मेरे पास जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स आ रहे हैं सर्दियों में, वो ज़्यादा जल्दी वजन गिरता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका ऑटोमेटिकली थोड़ा फास्ट हुआ होता है, बॉडी को हीट चाहिए होती है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको जब हम कट डाउन कर देते हैं थोड़ा सा तो ईजिली आपका जो है वो वेट लॉस हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सारी वीडियो देखी है प्लीज़ शेयर माई, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, रेमेडीज ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। And don't forget to share this video and tag me. और हो सकता है कि जो ये वीडियो किसी, बल्कि मैं किसी एक लकी विनर who has shared my video on her wall, Facebook, Instagram, anywhere, उसको मैं free diet plan भी दूँगी। और ऐसा diet plan दूँगी कि आपका even आपने वज़न कम करना है, ज़्यादा करना है, कोई भी, देखिए वज़न कम करने या ज़्यादा करने के लिए सिर्फ डाइट प्लान नहीं होता, किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे मैं एक वीडियो भी बहुत जल्द करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।